हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार करता हूँ आप सभी का स्वागत इस नई वीडियो में। तो गाइस हम बात करने वाले हैं कि हम अपने स्क्रीन को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं। गाइस ये सिस्टम बहुत ही फोन में आ चुका है और बहुत ही फोन में नहीं आ चुका है कि मतलब हम अपने फोन को स्क्रीन ऑफ और ऑन कैसे कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा कि आप इसे कैसे आसानी से डबल टैप की सहायता से आप ऑन ऑफ स्क्रीन को कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल के घंटी भी दबा ताकि आपके पास नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज मैं आपको इस बार एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम आपको मैं एक वीडियो देंगे जो आपको सेटिंग के बारे में होगा। यदि आपका फोन में वह सेटिंग होगा तो आप अपने फोन से ही कर सकते हैं, उसके लिए आपको एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपको वह सेटिंग नहीं मिलता है तो आपको एप्लीकेशन की आवश्यकता 100% पड़ेगी। तो आपको इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे इंस्टॉल किया हूँ, इसे मैं यहाँ पे इसे डीएक्टिव करता हूँ, मतलब इसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तभी आपको मैं बता पाऊंगा पूरा अच्छे तरह से कि आप मतलब इसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें क्या क्या आपको परमिशन देना है। तो आपको सिंपल से यहाँ पे प्ले स्टोर पर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है डबल टैप ऑन ऑफ स्क्रीन। जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने बन जाएगा। तो गाइस आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सेकेंड वाली एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसे आपको इस तरह से कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देख सकते हैं, इसका डाउनलोड भी है और इसका रेटिंग भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो गाइस ये न्यू एप्लीकेशन है इसलिए इसका रेटिंग अभी थोड़ा कम है। तो यहाँ से आपको सिंपल से इसे ओपन करना है यानी इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने बन जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हम फटाफट इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको सिंपल से गाइस कुछ नहीं करना है, आपको इसे ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा डबल टैप ऑन ऑफ स्क्रीन, आपको इस बटन को यहाँ पे अलाउ करना है यानी कि ऑन करना है। जैसे ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पे इनेबल ना, आपको तीन एप्लीकेशन मतलब तीन आपको सिस्टम को इनेबल करना है। जैसे हम इसे इनेबल कर लेंगे तो हमारे सामने वह एप्लीकेशन वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो इस एड को थोड़ा हम कट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको इनेबल पर क्लिक करना है। जैसे इनेबल पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एक्टिव द डिवाइस एडमिन, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक्टिव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकेंड वाले पर क्लिक करना है। सेकेंड वाले पर क्लिक करने के बाद गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने शो हो जाएगा। तो आपको इसको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉट अलाउड, इसको अलाउड करना है। जैसे इसे अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद फिर से हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद फिर से हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं एक बार। उसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन को यहाँ पे अलाउ करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने बन जाएगा। तो आपको इसे भी अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाए हैं, बैक आनी है। बैक आने के बाद गाइस ये हमारा भी हो चुका है। फिर से बैक आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो इसे भी हम इनेबल कर लेते हैं। इनेबल करने के बाद गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने बन जाएगा। तो आपको फिर से यहाँ पे एक डबल टैप ऑन ऑफ स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो ऑफ है इसको ऑन कर लेना है। तो हम इसे यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ से आपको इसे परमिशन दे देना है। उसके बाद आपको बैक आ जानी है। तो गाइस ये हमारा हो चुका है। अब हम दो ऑप्शन को यहाँ पे ओनली ऑन करेंगे। तो ये हमारा थोड़ी ऐड आ रही है, इसको हम कट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से फिर से इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, इसको आपको दो ऑप्शन को अलाउ कर देनी है। यहाँ पे ओके क्लिक करनी है। उसके बाद मैं आपको गाइस दिखाता हूँ कि ऑन ऑफ होता है या फिर नहीं होता है। दोस्तों गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी स्क्रीन है वह ऑफ हो जा रही है और ऑन भी हो जा रही है। तो आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी भी दबाएं ताकि आपके पास नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।